स्विफ्ट है, लेकिन इसको मैंने पूरी ऑफ रोडिंग वाली कार बना रखी है। बहुत अच्छी है, बट पता नहीं, मैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपनी अपनी औकात से ज्यादा ये मेरा साथ देती है, जहां जाऊं वहां घुसा देता हूँ। आगे कोई लैंडस्लाइड हो रही है, उसके चलते यहाँ ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया है। उत्तराखंड के हिल स्टेशन में आजकल यही प्रॉब्लम है, जब भी आप हिल स्टेशन में, और बरसात के टाइम पे, अभी बरसात निकल गई है, इस मौसम में जब भी आप आते हो ना, यहाँ लैंडस्लाइड होनी स्टार्ट हो जाती है और फिर ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मैं भी आज बुरा फंस गया हूँ, मुझे लगता है आज गलत पंगा ले लिया है साला। बोला था ना लैंडस्लाइड हुई, देखो साला कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। अलकनंदा रिवर, ये है अलकनंदा रिवर, आगे जाके मिल जाती है भगृति से, वहां से बनती है फिर मेन गंगा रिवर। ये इसकी स्पीड देख रहे हो ना, ये इतनी हल्की फुल्की नहीं है, बहुत डेंजर। ये मैं बहुत हाइट पे खड़ा हूँ, बहुत ज्यादा हाइट पे हूँ इसलिए कम दिख रहा है, बहुत हाई और बहुत डेंजर स्पीड है ये, खतरनाक वाला बहाव है। और अभी बरसात के टाइम पे लगभग 10 फीट ऊपर तक और पानी था ये, अभी तो 10 फीट डाउन चल रहा है कम से कम। आगे देखो पुराने टाइम का ब्रिज, जगह तो देखो यार क्या जबरदस्त व्यूज है, तो मजा आ गया यार। मतलब ये अपने उत्तराखंड में ऐसी ऐसी लोकेशन है, लोग ज्यादातर मशहूरी हिमाचल शिमला चमोली साइड आओगे ना, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज है यार, मतलब दिल को ना छू ही जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्विट्जरलैंड में आ गए। चमोली वाला एरिया है ना, एक बड़ा खूबसूरत है ये, एक बार सामने से व्यू दिखाता हूँ, देख रहे हो ये सब चमोली जाते हुए ऋषिकेश के 1.5 घंटे के बाद ड्राइव करके मैं यहाँ पहुंच गया, और बिल्कुल ही नया लग रहा है मेरे को तो, ये एकदम से मस्त ऑसम वाला लग रहा है ना मेरे को, यही सब लग रहा है यहीं पे। और अभी तक मैंने अपना कुछ रुकने का भी नहीं सोचा है, अब मैं देखूंगा क्या करना है, कैंप करना है या होटल लेना है, वो मैं डिसाइड करता हूँ। पहले मैं फटाफट, मेरे लगभग 2.5 घंटे का ड्राइव और बच रहा है, 2.5 घंटे के ड्राइव के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अगर मेरे को लाइट रही, मतलब रोशन, अगर सनलाइट रही तो मैं कैंपिंग कर लूंगा, अगर सनलाइट नहीं रही, क्योंकि लोकल जगह का मेरे को पता भी नहीं होगा, तो मैं करूंगा फिर होटल लूंगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2.5 घंटे में मुझे लगता है मैं पहुँच पाऊंगा, क्योंकि अभी की सिचुएशन देखते हुए रोड बीच बीच में से अभी तो अच्छी आ गई है, बीच बीच में ट्रैफिक मिल रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, स्लाइडिंग हो रखी है, तो स्लाइडिंग के चक्कर में ट्रैफिक मिल रहा है बीच बीच में, तो उस ट्रैफिक की वजह से लेट हो सकता हूँ। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, फटाफट ड्राइव करता हूँ, कंसंट्रेट करता हूँ, जगह पे पहुँचता हूँ, जगह पे पहुँचने के बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ, अभी बताता हूँ मैं कैंपिंग कर रहा हूँ या होटल ले रहा हूँ।
मैं दिखाता हूँ आपको क्या मस्त लोकेशन है। इस प्राइम लोकेशन पे क्या नदी यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है, ये यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है। उसके बाद ये मुझे कुछ चार पांच विजिटर मिल गए, मेरी चेयर लेके मज़े लेने लगे हैं। उधर से आ रही है वो, इधर मेरी चाय बनने के लिए रेडी है। ये मेरी बेस्ट लोकेशन पे चाय। ये VIP पोज मारते हुए तीन लोग। ये अलकानंदा, ये एक टाइम पे क्या है ना पूरा भर जाता है पानी में। बस किस्मत अच्छी है मेरी, मेरे को ये ओपन मिल गया है। देखो ऐसा व्यू आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं यहाँ से ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते मुझे ये लोकेशन दिखी और फटाक से मैं रुक गया। अब ये कुछ शॉर्टकट पकड़े मैं अंदर जाता हूँ, और वहाँ मेरे सामान के साथ वो लोग मस्ती ले रहे हैं। खैर करने दो यार, दुनिया में मस्ती के अलावा रखा ही गया है, करने दो जो भी करना है। मेरी चाय पक रही है, मैं अपना सामान लेने आया था क्योंकि मेरा टी बैग छूट गया था, मैंने टी बैग ले लिया, वापस जाके चाय स्टडी करूँ। हेलो फ्रेंड्स, बताया मैं आज आपको बड़ी एक्साइटेड चीज़ दिखाने वाला हूँ। आपने शायद ऐसा व्यू, अलकानंदा रिवर है ना ये, अभी कुछ टाइम पहले इसने तहलका मचाया हुआ था यहाँ पे। तो मैं यहाँ से ट्रैवल करके निकल रहा था, तो उस केस में मुझे एक स्पॉट मिला है जो बीच में ऐसे थोड़ा रेत पड़ा हुआ है। मैंने रोड के ऊपर ही अपनी गाड़ी पार्क करके और मैं उतर गया, मेरा सामान है। मैंने यहाँ बड़े सुकून से बैठा हूँ, चाय वाय बनाई है, ये मेरी चेयर है, मैं अपनी चेयर लेके यहाँ आराम से बीच में ऐसे बैठ गया हूँ। ये देखो क्या व्यू है। इस व्यू के साथ आपका भाई ना चाय की चुस्की ले रहा है। ये मैंने क्या किया था ना, मैंने अपना गैस ऐसे रखा हुआ है ना, उससे क्या रहता है जैसे मैंने चाय बना लेता हूँ ऐसे। मेरा मन करा, मैं सोच रहा था यार अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मन करे और ना रुके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपका भाई रुक गया और चाय इन्जॉय कर रहा है यहाँ पर। इस बार मैंने नया एक्सपीरियंस किया है। पता क्या होता था, मेरी कैटल में ना चाय बनाने से पत्ती की वजह से कैटल ख़राब हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने टी बैग वाली ख़रीद ली। इससे मेरे को ना ये ईजी रहता है, मैं इससे ऐसे कर लेता हूँ। टी बैग वाली से क्या है, मेरे लिए बेस्ट है, इजी है और अच्छा लगता है बहुत। तो पीछे वाला व्यू देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। तो यार मेरे को ना अभी टेंट की लोकेशन ये तो मैं लगा नहीं सकता यहाँ, तो क्योंकि ये अगर मैं सो रहा हूँ रात को और रात को नदी आ गई, मतलब ये अलकानंदा आ गई, अभी आजकल मौसम भी ऐसे ही है बरसात के, तो मेरे ना तोते उड़ जाने हैं। तो अभी मैं इसको यहीं छोड़ के चाय वाय पीता हूँ, चाय वाय पीने के बाद निकलता हूँ कहीं। टेंट की मेरे को जगह नहीं मिल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को मैंने अभी लोकल से पता किया, लोकल्स ने मेरे को बोला है कि भैया आप यहाँ कहीं पे ऐसे टेंट मत करना, यहाँ भालू हैं, यहाँ बाघ है, यहाँ बहुत डेंजर है, और यहाँ स्लाइडिंग का भी कुछ नहीं पता कब कहाँ होती है। तो मेरे को टेंटिंग का तो मेरा हिसाब बन नहीं रहा है। मैंने कुछ लिंक्स देखे हैं, अपने लिंक्स के थ्रू मैं अपने कुछ फ्रेंड सर्कल को ट्राई कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रुक जाऊँ। तो मैं अभी अपनी चाय ख़त्म करता हूँ और आगे की डेस्टिनेशन करता हूँ, क्योंकि मेरे लगभग 3 घंटे और ट्रैवल के बचे हैं। इसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपको, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय। जैसे 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 अंधेरा होता जा रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ आगे निकल जाता हूँ। आगे निकल के मैं अपना सामान वामान लेके और ये आपकी अपनी गड्डी उठा के अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। मेरे को चलते चलते नज़र आया था रास्ता, रुक के यहाँ एक चाय की चुस्की मार के अब मैं वापस चल देता हूँ अपना सामान वामान लेके। आगे देखता हूँ, कुछ रात को होटल लेना है या कोई फ्रेंड के साथ रुकूँगा, कुछ भी ना हुआ तो गाड़ी में ही सो जाऊंगा। यार मैं जैसे बता रहा था ना, ना तो मैं होटल लोकेशन में पहुंच पाया, टेंट का तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इस रात में कोई पता नहीं इस जंगल के बारे में, इस एरिया के बारे में मेरे को पता नहीं है। और मेरे पास फ्यूल भी ना सिर्फ 90 किलोमीटर चल सकती है गाड़ी ना, मेरे पास मेरे को पूछा है पेट्रोल पम्प भी आसपास नहीं है। तो पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये फ्यूल बचाता हूँ और कहीं साइड ही गाड़ी साइड वाइड में लगा के सोने का जुगाड़ सोचता हूँ। आज तो गाड़ी में ही सोना पड़ेगा, पहले भी सोया हूँ एक बार, बट आज मैं देखता हूँ, पहले थोड़ा बहुत 10-20 किलोमीटर चला के देख लेता हूँ, ऑप्शन मिल गया कुछ तो ठीक है, नहीं मिला तो आज गाड़ी में ही सोता हूँ। अगर गाड़ी में सोया तो फिर वापस से कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, अगर होटल वोटल में सोया तो उसका टूर जरूर कराऊंगा। तो अभी थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ने के बाद देख के आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही है, अब मेरे को खुद के टेंट पिचर होटल से ज़्यादा गाड़ी लगाने की जगह ढूंढने के लिए नहीं मिल रही, कहाँ स्टेबल गाड़ी लगाऊँ जहाँ सही से लगा पाऊँ, वो लोकेशन ढूंढ रहा हूँ मैं। रोड तो आ रही है बीच बीच में, बट हर 100 मीटर 200 मीटर के बाद ना साला स्लाइडिंग हो रखी है, तो मेरे को यही डर हो रहा है रात को स्लाइड ना हो जाए। और आज मैं देख रहा था न्यूज़ में, वो भी दिखा रखा है क्या बोलते हैं उसको कि भैया बारिश हो सकती है बारिश। और मैं फ्यूल की बात कर रहा था ना, देखो मेरे पास 93 किलोमीटर का फ्यूल ही बचा है। अब मैं इस फ्यूल को बचा गया तो पेट्रोल पम्प ढूंढूं या सही लोकेशन लगा के रात काटने की सोचता हूं। अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए। ये देखा है आपने, सिटी की तो है ये दूर, लेकिन मेरे पास फ्यूल नहीं है उतना कि मैं वहां तक चला जाऊं। बस मैं सिर्फ गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं सो जाऊँ। वैसे 2 दिन रुकने वाला हूँ यहाँ, इसके बाद देखने वाला करता हूँ। कहने के तो मेरे पास स्विफ्ट है, लेकिन इस स्विफ्ट की क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ऐसे ऐसे स्लाइडिंग वाले एरिया में चलाता हूँ मैं इसको। ये देखो सामने से बाइक कैसे आ रही है,
और इधर बगल में बहुत बड़ी नदी है, कुछ झील है क्या है साला, समझ नहीं आता मेरी। अब ये मैंने स्विफ्ट को भी ना पूरा ऑफ रोडिंग वाला बना दिया। तो ये स्विफ्ट है लेकिन इसको मैंने पूरी ऑफ रोडिंग वाली कार बना रखी है, बहुत अच्छी है। बट पता नहीं, मैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपनी अपनी औकात से ज्यादा ये मेरा साथ देती है, जहां जाऊं वहां घुसा देता हूँ। देखो कितनी बड़ी बड़ी वो है, इधर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना नीचे जाके गिरूंगा भाई, ढूंढ भी नहीं पाएगा कोई। हालात तो देखो कितना खतरनाक रास्ता है, और उधर बहुत बड़ी नदी है उधर बगल में। तो यहाँ के बाद मुझे बताया, यहाँ आपको रात को अक्सर बाघ या भालू जरूर मिलेंगे। तो मैंने सोचा जब सोना ही है गाड़ी में, तो गाड़ी में बाघ और भालू का कोई डर तो होता नहीं है, तो क्यों ना साला आगे जाके डेंजर जोन में जाके लगा के मैं इंतजार करूं देखने का लाइव जंगल को, और गाड़ी में ही सो जाऊं। पहले भी एक बार सोया, मेरे को आदत है, मैं गाड़ी में सो जाता हूं। देखो यहां से कैसे नीचे जा गिर सकती है गाड़ी, ये देखो। खैर मेरे को भी ध्यान से चलानी है, अभी मैं इसको बंद करता हूं और सही जगह गाड़ी लगाता हूं और सोने का इंतजाम करता हूं। बहुत थका हूं, सुबह से ड्राइव कर रहा हूं। गाड़ी के बाहर से निकाल के दिखाता हूं मैं इस सेक्शन क्या हालात हो रखे हैं यहां पे। देखो उधर नीचे खाई है बिल्कुल यार, इतना बड़ा पत्थर, बाप रे बाप, अरे मेरी गाड़ी, बाप रे बाप, चल जाएगी, बच जाएगी या नहीं बचेगी पता नहीं यार। पानी की आवाज आ रही है ना, ये हल्का लंदा रिवर है बगल में, मैं ना कोई यार, बस मेरे को यही डर लग रहा है कि अगर मैं सो रहा हूँ रात को और स्लाइडिंग हो गई ना, तो ढूंढने वाला भी नहीं मिलेगा यार, तो बता भी नहीं पाएगा मैं कहाँ था कहाँ नहीं था। अरे यार फिर भी मेरा मन है यार, मन है तो करना पड़ेगा। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर साला, ये पत्थर गाड़ी में गिर गया तो क्या हाल है। अभी ना मुझे कुछ ऐसा लगा था जैसे वहां से भालू जा रहा हो, मुझे फील हुआ है, कुत्ता भी हो सकता है। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली और मैं ना आगे आगे जाके देखता हूँ, कुछ अगर किस दिखा तो जरूर दिखाऊंगा, उसको देखने की तलाश में जा रहा हूँ धीरे धीरे। स्टार्ट तो कर ली मैंने, लेकिन पता नहीं मुझे लग रहा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पर मेरे से रहा नहीं गया कि जब मैं रात को ऐसी जगह आ भी गया हूँ क्यों ना मुझे कोशिश तो करनी चाहिए यार, मतलब कोशिश ना करना तो वो थोड़ी है। तो अगर दिखता है तो मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरे को लग नहीं रहा दिखिए कोई झाड़ वाड़ में घुस गया है कहीं। ये लोकेशन ढूंढी है मैंने, यहाँ 100% आपको वाइल्ड लाइफ कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बट मैं इतना वो होके नहीं हूँ कि भाई मेरे को देखना तो जरूर है। पहले शीशे बंद कर लेता हूँ, अब थोड़ा डेंजर लग रहा है, देखना तो जरूर है। अब मैं अभी पहले आराम से सुकून से सोऊंगा, रात को आंख खुलेगी फिर आराम से ताक लगा के बैठ के देखूंगा, मिला तो आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ मैं पहुंच ही रहा हूँ लगभग, यार मेरी गाड़ी वाड़ी ना गिर जाए नदी में बैठ चलो। यार मैं भी पागल ही हूँ यार, क्या क्या करता हूँ मैं भी। ठीक है यार, यही तो जिंदगी है, लाइफ इज एंजॉय। अब ठीक है, अब ना मैं यहाँ, अब यहाँ क्या है ना, यहाँ थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ जनरली क्या है, यहाँ पे अब सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आराम से गाड़ी पार्क करके यही सीट खोल के आराम से ऐसे पैर में ऊपर रख लेता हूँ, सोने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मेरे बहुत थकान है, मतलब मेरी अभी कंडीशन ऐसी है कि मैं दो कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। रात को आप खुल के दिखाऊंगा, अगर नहीं दिखा तो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट अभी बोलता हूँ। अगर आपको इस व्लॉग में मजा आया हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना यार, बड़ी मेहनत बड़ी स्ट्रगल के साथ आया हूँ। मतलब ऐसी जगह हूँ ना कि अगर खुदा ना खास्ता रात को कुछ हो गया ना, कोई ढूंढने वाला भी नहीं है, ढूंढने क्या ढूंढ ही नहीं पाएगा कोई। खैर ऐसा ना हो, आप लोगों का प्यार और दोस्ती और सब दुआ करते हैं मेरे लिए, मेरा ऑफिस पूरा करता है यार, मेरे घर वाले सब करते हैं, कुछ नहीं होगा। इतना डेंजर और क्रिटिकल काम करने के लिए मैंने रिस्क लिया है, गाड़ी में गर्मी लगेगी बट मैं शीशे नहीं खोलूंगा क्योंकि शीशों के थ्रू कुछ भी आ सकता है अंदर, जैसे कि छोटा सा कुछ भी आ जाए काटने के लिए मच्छर वच्छर। मैं आराम से सोता हूँ, और वैसे यहाँ किसी बड़ी चीज़ का गाड़ी में अंदर अटैक करने का कोई डर नहीं है, देखने के लिए किस्मत हुई तो मिलेगा नहीं तो नहीं। अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, अगर कुछ हुआ रात को तो जरूर दिखाऊंगा। बाय बाय, गुड नाइट।